अक्षय पापा देखिए ना माँ क्या कह रही है। बात क्या बेटा? अक्षय पापा माँ बोल रही है कि वो हम सबको छोड़कर इस घर को छोड़कर कहीं दूर जाना चाहती है। बुआ ये मिमी क्या कह रही है? आप जा रही हैं? अगर आपको हमारे यहाँ कोई परेशानी हुई हो, अगर कोई बात है तो आप बताइए मुझसे, मैं ध्यान रखूंगा उस बात का। बोलिए। बुआ बात क्या है, बोलिए ना। ना दादा, आपसे हमको क्या शिकायत हो सकता है? आप तो हमारे लिए बहुत कुछ किया, हम तो आपका आभारी है। किंतु दादा ये बात भी तो सोचती है ना, एक घर में आने का कारण, इधर रहने का कारण हमारा बुद्धू माप दादा, हम तो उसी दिन एक घर को छोड़ के चला जाता जिस दिन हमारा बेटी इस घर का बहू बना। किंतु वही दिन मामता हमारा हाथ पकड़कर अपना दोस्ती का कसम देकर हमको रोक लिया। किंतु अब हम इस घर में नहीं रह सकता, आपने हमको विदाई दी, हमको विदाई दी दादा। ममता की मौत धीरे धीरे मेरे रास्ते के सारे कांटे हटा रही है। सब कुछ कितना आसान हो गया है। माँ जी चली गई, सिर भी चला गया और अब मिष्टी भी चली जाएगी और बहुत ही जल्द अक्षय अकेला हो जाएगा। हाउ ब्रिलियंट तनीषा, हाउ ब्रिलियंट। आप ममता की हर बात का मान रखती है ना, उसी की इच्छा थी कि आप यहां हमारे साथ रहें, तो आज वो जहां भी है आज भी वो यही चाह रही होगी कि आप हमारे ही साथ रहें। ऐसा मत बोलो दादा, ऐसा मत बोलो। आप नहीं जानता एक घर का हर चीज सब समय हमको ममता का याद दिलाता, उसका हमारा जीवन में ना होने का एहसास कराता। हम इधर नहीं रह सकता दादा, हम इधर कैसा रहेगा? बुआ जिंदगी में हर इंसान को अपना फैसला लेने का हक होता है, इसलिए मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, पर एक बात कहना जरूर चाहूंगा। आप ही कहती है ना कि आपको ये घर ममता की याद दिलाती है, हर पल हर वक्त आप यहां रहती है तो आपको ममता की याद आती है, मतलब ममता आज भी यही कहीं हमारे आसपास है, हमारी यादों में, इस घर में, हमारे दिल में ममता आज भी जिंदा है। ये जानकर भी आप उसे छोड़कर चले जाओगे बुआ? चले जाओगे ममता को छोड़कर? अक्षय तुमने तो मेरा बना बना खेल बिगाड़ दिया, इमोशनल फूल। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वक्त आ गया है कि तुम अपने डैड का बिजनेस अपने हाथों में ले लो। और कृष्णा, कृष्णा का दिमाग तो ममता की मौत के बाद
बिजनेस में लग ही नहीं रहा। आरव, इससे पहले कि कृष्णा के हाथ ये बिजनेस लगे, तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। आरव, शिकार करने का वक्त आ गया है, सो बी अलर्ट। पर ये सब कुछ होगा कैसे? मुझे नहीं लगता कि डैड इतनी आसानी से ये सब कुछ मेरे नाम कर देंगे। डोंट वरी आरव, ये सब कुछ कैसे होगा ये मैंने सोच लिया है। संजू, रात बहुत हो चुकी है, तुम सो जाओ। कृष्णा, मेरे पास बैठो ना, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही है? मेलोरी सुनाओ। चलो सो जाओ। चंदा है तू मेरा, सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। चंदा है तू मेरा, सूरज है तू, हो मेरी आंखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, हाँ मेरे दिल का सहारा है तू। आरव, लीजिए नाश्ता कर लीजिए। Here don't bother. जब मुझे भूख होगी तब मैं खा लूंगा। अच्छा सुनो, रख दो, मैं खा लूंगा। मिमी, मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आओगी? जी चाची, अभी लाई। इस फाइल में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर अगर साइन कर दिया जाए तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा। चाची, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, गवाना नहीं। तुम बेवकूफी रहोगे, कि तुम्हारे लिए नहीं है, कृष्णा के लिए। आरव, हम इस नुकसान की वजह कृष्णा को ठहराएंगे, क्योंकि ये डील कृष्णा खुद करेगा, बस एक बार वो इन पेपर्स पर साइन कर दे। माँ, बता मैं क्या करूं, अब तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा। क्या बात है बेटा, क्या सोच रहे हो तुम? डैड, आज सुबह जब मैं वसुंधरा जी से मिला था तो
शी इज फाइन नाउ, एक घंटे में इसे होश आ जाएगा। युग ऐसे केसेस के बारे में इतना कैसे जानता है? बेटा, युग एक साइकेट्रिस्ट है। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। बेटा, जो भी फैसला लो दिल से लेना, जो तुम्हारा दिल कहे वही करो। हमारा दिल हमेशा हमें सही रास्ता दिखाता है जो हम आंखों से नहीं देख पाते। हमेशा दिल की सुनो, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। एकी, मिमी तो बोला था तानिशार जामाई बाबू कमरे में ही है, पता नहीं किधर चला गया होगा। किंतु पर्स तो इधर ही है, बैल्कनी में होगा, पानी इधर रख देता है। जामाई बाबू पानी रख दिया। एक जा, पर्स गिर गया। एक क्या हो? ये तो हमारा ममता का मोबाइल है। हम लोग उस दिन पास में से ममता का फोन कितनी बार ट्राई किया किंतु वो फोन ही नहीं उठा रहा था, क्योंकि ये फोन उसके पास था ही नहीं। तभी वो अपना सेल फोन से फोन नहीं किया। किंतु ये मोबाइल फोन तानिशा का पर्स में क्या करता है? हाय। हाय, आओ अंदर आओ। क्या संजना के ठीक होने की कोई उम्मीद है? हाँ, पापा, मैंने युग को संजना के इलाज के लिए हाँ कर दी है। अच्छा किया। अक्षय पापा, माँ कमरे में नहीं है और ना ही उनका सामान। कहाँ चली गई? मम्मी तुम घबराओ मत और सोचने दो, आखिर बुआ जा कहाँ सकती है? मेरे ख्याल से बुआ घर छोड़कर चली गई है। ममता के जाने के बाद वो इस घर में रहना नहीं चाहती थी, ये सोचकर कि हम उन्हें जाने नहीं देंगे वो हम सबको बिना बताए चली गई। पापा आप शायद ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है और ऐसे वक्त पर मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। पता नहीं माँ कहाँ चली गई, मुझे अकेला छोड़कर। मिमी रो मत, बुआ को हम जल्दी वापस ले आएंगे। आरव, मिमी
ये क्या कर रही हो तुम? फिर से एक नया नाटक? आरव, माँ पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं चल रहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है आरव, प्लीज कुछ करो, प्लीज माँ का पता लगाओ आरव, प्लीज। पहले तो तुम ये रोना धोना बंद करो, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम हेल्पलेस। और फिर मिमी तुम्हारी मॉम कोई बच्ची नहीं है जो कहीं खो जाएंगी, अरे अपनी मर्जी से गई, अपनी मर्जी से वापस आ जाएंगी। आरव, पर माँ कभी ऐसा नहीं करती, वो जहां जाती है बताकर जाती है, और अगर उन्हें ऐसे जाना ही होता ना तो वो कम से कम मुझे तो जरूर इन्फॉर्म करती। काफी वक्त हो गया आरव, और माँ का कुछ पता नहीं चल रहा, प्लीज आरव कुछ करो प्लीज। मॉम के चले जाने के बाद सबके सब चले गए अपनी मन की शांति के लिए, पर डैड हम कहां जाएं? बेटा, अपनों को खोने का गम कभी भुलाया नहीं जा सकता, पर मुझे चिंता तो मिस्टी बुआ की हो रही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस्टी बुआ कभी भी हमें बिना बताए जा नहीं सकती। तो फिर क्या बात हो सकती है, क्या सोच रहे हैं डैड? यही कि मिस्टी बुआ जैसी जिम्मेदार औरत क्या ऐसा कर सकती है? ऐसा हो नहीं सकता। आप सही कह रहे हैं, फिर और क्या वजह हो सकती है? यही तो मैं सोच रहा हूं, और क्या वजह हो सकती है? आरव, ये बहुत अच्छा मौका है, अक्षय बिल्कुल अकेला है और कृष्णा भी घर पर नहीं है। तुम जाकर अपने डैड को बिजनेस के नुकसान के बारे में सब कुछ बता दो, जाओ। लेकिन तनीषा चाची, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने कभी डैड से झूठ नहीं कहा। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने कृष्णा के नकली सिग्नेचर्स किए हैं तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। मैंने कहा ना तुमसे, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, मैं सब कुछ संभालूंगी, जाओ आरव। हाय डैड। बोलो। क्या है ये? डैड, के इंडस्ट्रीज वाली डील में हमें बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ये वही डील है जो अपना कृष्णा हैंडल कर रहा था। सच तो ये है कि कृष्णा का ध्यान आजकल बिल्कुल बिजनेस में नहीं लगता। मैं कृष्णा से इस बारे में बात करूंगा। डैड, सच तो यह है कि चाहे कृष्णा ने यह गलती की हो या ना की हो, लेकिन वो हमेशा से ही आपका फेवरेट रहा है। उसके हर मामले में उसको आपने सपोर्ट किया है, और यहाँ तक कि कृष्णा के घर आने के बाद आपने मुझे हमेशा नज़रअंदाज किया है। डैड, जस्ट वन चांस, क्या मैं एक मौका भी डिजर्व नहीं करता एक अच्छा बेटा साबित होने का? लेकिन आज मैं जिम्मेदारियां उठाना चाहता हूँ, कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, और अपने भाई के इस बुरे वक्त में उसका हाथ बटाना चाहता हूँ डैड। लेकिन मुझे लगता है कि कृष्णा ही शायद आपका बेटा है। डैड, सच तो यह है कि आप मुझसे ज्यादा कृष्णा पर भरोसा करते हैं। बेटा, बेटा मेरी बात तो, वाह, इतना पुराना तरीका आज भी काम आ रहा है। फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। लगता है मेरे राज करने के दिन नजदीक आ रहे हैं।